आपको एक मिनट में मुझे गुस्से में लाना है. एक मिनट में आपको गुस्से में लाना है. ओके. आपका टाइम शुरू होता है अब. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं आपको गुस्से में लाऊं उसके बाद आप मुझे रिजेक्ट कर देते हो. आर्टिफिशियल क्यों हो तुम? बोलती इस तरह या वाकई इस तरह हो? अगर मैं इस तरह करती तो इस तरह होता? ये बन रही हो तुम या? मुझे बनने की जरूरत जो हो वो बन के बात करो ना. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत इस वक्त शो के अंदर इन होने के लिए ना कुछ चीजें वो कर रही हो जो तुम हो नहीं? आई एम नॉट लाइक दैट. मैं अभी जैसी हूँ नॉर्मली वैसे ही हूँ. मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. चलिए आपका टाइम शुरू है. एक मिनट का टाइम है. एक मिनट में आपने मुझे गुस्से में लाना है. ओके. आप लोगों को यहाँ बिठा के फौरन बोल देते कि आप ये हैं आप वो हैं. आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने ऊपर क्यों नहीं बुलवाते? या अगर आपको कोई ये बोल दे कि आपकी ये बात गलत है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते? वाई? किसी को रिजेक्ट करने के, किसी को एक्सेप्ट करने के लिए आप सही चांस क्यों नहीं देते? अगर ये ड्रेयरिंग शो है तो उसको ऐसे ही दे. 30 सेकंड हो गए और अभी तक आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप बहुत बोरिंग है. ठीक है, मैं कुछ करती लेकिन आप मुझे श्योरिटी देगी कि उसके बाद मुझे रखेगी शो में? श्योरिटी वोरिटी कोई नहीं है. आपके पास अब रह गए हैं बाकी 15 सेकंड. नहीं तो बात तो वही होगी ना कि अगर मैं आके कुछ कर दूं तो मुझे क्या श्योरिटी, क्या मुझे रखेंगे? क्या करेंगे आप? कुछ भी, एनीथिंग. अगर मैं यहाँ आपके पास आखिरी 10 सेकंड है. श्योरिटी किस चीज की है, क्या मुझे रखेगी? छोटी देगा मुझे? छोटी देगा? छोटी देगा? बड़ा गुस्सा आया भाई मुझे. पढ़ लगा तो नहीं? गुस्सा तो नहीं आया मुझे. रिजेक्ट करेगा मुझे और क्या करेगा? मीटिंग में आप. वैसे मुझे लगता है कि मुझे सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना डेयरिंग होगा कि पेपर फाड़ के वकार के मुंह पे फेंकते. जैगम जी, यहाँ क्यों आगे भाई? यहाँ पे बैठे. यहाँ पे दिखाने के लिए कि सबसे हिम्मत वाला खान जैगम खान है. ये दिखाने के लिए या ये देखने के लिए कि दोबारा टीवी पे आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आप पाकिस्तान में लिविंग ऑन द एज सबसे बड़ा रियलिटी टीवी शो है. अगर ये जीतूँ मैं ना तो नाम बनेगा. कॉन्फिडेंस तो तुम में है पहले से ही. चेक ये करना कि हिम्मत वाले कितने हो. जी चेक ये करना है कि हिम्मत वाले कितने हो. जी इसमें से एक कोबरा निकालेंगे आप. सामने जो हमारे भाई बैठे हैं ये इनके कपड़ों में डाल देंगे. यहाँ डालेंगे. हाँ. पैंट के थ्रू निकलेगा वो. और अगर शर्ट के बाहर से आ गया. हाँ. आप रिजेक्ट. आपको मैनेज इस तरह करना है, यहां से जाए नीचे से निकले. ये तो आसान सी चीज हो गई ना, आराम से हो गया. हो गया. अब इसको नीचे से डालना है और ऊपर वापस निकालना है. डालो इसके नीचे से. नीचे से. अब तुम हाथ से पकड़ के ऊपर खींचो, किसी तरह भी खींचो, ये तुम्हारी मर्जी है. अरे
चैलेंज तो नहीं कर सके आप? आपने जो चैलेंज दिया था ना सांप को अंदर डालने से, वो तो मैंने कर लिया। उसके बाद सांप ने रास्ता ही नहीं देखा ऊपर आने के लिए। लेक्चर बाजी करता हूं। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू बेटा। मैं अभी शेक कर रहा हूँ कि मैंने सांप अपने शर्ट के अंदर डाला, वो मेरे पैंट से निकला। कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि जैगम खान सबसे हिम्मत वाला। क्या एक्शन है लाइफ में? बहुत थ्रिलिंग। क्या? मैं बहुत थ्रिलिंग का मुझे तो मैं एक हेड एक्शन कर सकता हूँ कम से कम एक मिनट ऊपर के लिए। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र। ये क्या है? क्या ये दवाइयों के नाम लिखे? डॉक्टर यहाँ के। हाँ? डॉक्टर टाइवी राइटिंग है। क्यों लूँ तुम्हें शो में? बिकॉज मेरे अंदर पोटेंशियल है, बट मुझे कभी प्रूव करने का मौका नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों में ज्यादा हिम्मत होती है लड़कों में? लड़के यानी जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के सारे कर सकते हैं जी, लेकिन जो काम लड़के कर सकते हैं वो सारे लड़कियां नहीं कर सकती। यानी लड़की अगर कुछ भी करेगी तो वो तुम कर सकते हो? कर सकते हैं। मतलब अगर लड़की से मुकाबला कराऊं कर सकते हो तुम? हाँ। आपको मैं एक लड़की से मिलवाऊंगा, उसको हराना है आपने। हरा सकता हूँ। छोटी बस जो चीज ये करेगी उसका 50% तुमने करना है। आ जाए। आ जाए। तलमिया हैदर जी, आप शादीशुदा हैं? नहीं। फिर कोई और एंगेजमेंट, कोई और चीज? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं। क्यों लूं आपको शो में? क्योंकि मुझमें वो है हिम्मत के मैं। क्या है वो? आप जो भी दिखाना करना चाहते हो तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको बता सकती हूं। डर नहीं लगता आपको किसी चीज से? नहीं, किसी चीज से भी? किसी चीज से भी नहीं। इसको उठाना है जी। कायनात है, हैदराबाद की उनका रिकॉर्ड है। देखा है। कितने सेकंड का रिकॉर्ड है? 15। 10 सेकंड का? 10। आपने कोबरा उठाना है जी, उसको चूमते रहना है 11 सेकंड तक, सिलेक्शन हो जाएगी। तो उठाकर आप उठाएंगी? उठाकर रखना है जी। उठाओ इसको। उठाएं और यहाँ पर रखू? नहीं, यूं चूमना है। अच्छा, इसकी गर्दन पर? मुंह पे। मुंह पे काट लेगा तो नहीं आ रहा है? काट लेगा तो ये हमारा जिम्मा नहीं है, ठीक है जी। इसका मुंह तो नजर नहीं आ रहा है। मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। मुंह मेरी तरफ होना चाहिए? मुंह पर किसके लिए चाहिए? तो और कहां कायनात ने की थी? नहीं कर सकेंगे? आ जाए।
Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Uska naam hai Lavina. Yeah, and my friend calls me love. So agar tum chaho wo card tum bhi mujhe love keh sakte ho. Acha, aur aap Lahore se ho? Exactly. Dusri ye kya lekar aayi ho? Haath mein kya? Cigarettes. Ye unse cigarette le le. Cool banne ka tareeka hai aapka? कूल बनने का क्या तरीका? लाइक मैं पीती हूँ इसीलिए मेरे हाथ में है। किसी ने कभी समझाया नहीं कि गलत चीज़ है? Well, I don't think so. अच्छा खैर, anyways, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ अपने बारे में। इंटरेस्टिंग चीज़, well, मैं मार्शल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। मार्शल आर्ट्स की स्टूडेंट हो? Yeah. कुछ करके दिखाओ जिससे लगे यार, मुझे लग रहा है तुम ऐसी बस कूल बनने की कोशिश कर रही हो तुम। Oh, really? I can prove. Oh, really? अब तुम उर्दू में बात करोगी? ठीक है जी, मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ। अरे प्रूफ कैसे करेंगे आप? ओके, अच्छा आपने यहाँ फॉर्म पे लिखा है कि आप, जो लिखा है यहाँ जरा खुद बता दें, क्यों आई हैं आप शो में? क्यों आई हूँ मैं शो पे? Well, मैं किसी से इंस्पायर होकर आई हूँ इस शो में। कौन है वो जो यहाँ आपने लिखा है? Yeah, that's बिलावल भुट्टो। जी? बिलावल भुट्टो। मैंने लड़कियों को आतिफ असलम की बात करते हुए देखा है, मैंने अली जफर की बात करते देखा है, पहली बार देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो की कोई बात कर रही है। Yeah, obviously he is very cute and I like him, he is my crush. क्या पता है बिलावल भुट्टो के बारे में आपको? मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, इट्स 21 सितंबर, और उसके ईयर 1988, और मुझे एक फार्मिस्ट ने बताया था कि लाइक उससे मेरी कोई ना कोई सीन ऑन हो सकता है। क्या क्या दोबारा क्या? मुझे एक फार्मिस्ट ने बताया था कि अगर इफ आई ट्राई कि मैं से अगर बात करूँ कुछ भी इस तरह का, तो कोई ना कोई सीन ऑन हो सकता है। पहली बात तो ये कि फार्मिस्ट ने ये बताया आपको कि अगर उससे कोई बात करो तो पहली तो बात करनी पड़ेगी ना उससे, वो कैसे करोगी? Well, मैं यहाँ पे आज आई हूँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये किसने बता दिया कि यहाँ आ गई तो बिलावल भुट्टो से तुम्हारी हलवाई हो जाएगी? Well, I think हमारा सारा यूथ ये देखता है चैनल, और लाइक ये शो देखता है, और मे बी बिलावल भी देखता हो, सो दैट्स व्हाई ये मेरे लिए एक चांस है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, ये कैमरा है, इसमें आपने बोलना है, समझिए बिलावल भुट्टो है। Okay. एक मिनट तक उसे आपने आस्क आउट करना है, कैसे करेंगी? चलो चांस है, क्या पता देख रहा हो अभी। Well, बिलावल, I like you very much, और आज इस शो पे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, और आज यहाँ पे मैं जो भी डेयर्स करूंगी इट्स ऑल फॉर यू, आई लव यू। यहाँ कुछ प्रॉप्स पड़े, इनको यूज करना है तुम्हें और दिखाना है कि तुम इंटरटेनिंग हो सकती हो। Okay. Well, Bilawal, it's you. I love you. Ye bhi Bilawal hai. Yeah, obviously. You're so crazy. Kya himmat wala kaam kiya aaj tak aapne zindagi mein? Koi kiya bhi hai? Bilkul kiya. Kya himmat wala kaam kiya? Maine sare drugs try kiye. Kya kiya? Sare drugs try kiye. क्या हिम्मत वाला काम किया? मैंने सारे ड्रग्स ट्राई किए। क्या किया? सारे ड्रग्स ट्राई किए। तुम कूल बनने की कोशिश कर रही हो कि सिगरेट लाऊंगी, ड्रग्स की बात करूंगी तो हर चीज यहाँ पर कूल लगूंगी और सिलेक्शन हो जाएगी मेरी। मैंने तो वो ड्रग्स ट्राई किए जिनका तो तुमने आई थिंक वकार नाम भी नहीं सुना होगा। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुमने तो सिगरेट को भी कभी हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे ख्याल में सिगरेट पीना और ये ड्रग्स में पड़ना हिम्मत वाला काम होता है? नहीं, हिम्मत वाला काम ये है कि ये सब चीज़ें ट्राई करके इनकी एडिक्शन मुझे नहीं हुई है, और दूसरी बात ये कि एडिक्शन नहीं हुई है। तुम्हारे हाथ में सिगरेट है, सुबह शाम तुम पीती भी होगी इसको, क्या करती होगी, या सिर्फ डब्बा खाली दिखाने के लिए लाई थी? मुझे एडिक्शन नहीं है, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। कौन से ड्रग्स ट्राई किए हैं भाई तुमने? मैंने कोक की है, मैंने पिल की है। पिल क्या होती है? पिल क्या होती है,
पिल तुम जब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वकार के पिल क्या होते हैं। बकवास नहीं करो मेरे साथ, जो बात हो रही है पिल क्या होती है? पिल पिल होती है। तुम्हारे ख्याल में ये ड्रग्स ट्राई करना बड़ा हिम्मत का काम है? जी हाँ बिल्कुल है। तुम लेकर आओ टकीला, लेकर आओ पिल, लेकर आओ और किसी और को भी मेरे साथ सामने ठहराओ, मैं पी के तुम्हें दिखाती हूँ। अगर मैं टुन नहीं होंगी लेकिन अगला बंदा जरूर हो जाएगा। लेकर आओ, ये मेरा चैलेंज है, लेकर आओ ये सब कुछ तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी ये सामने, तुम्हारे प्रूफ दूंगी तुम्हें इस चीज का। तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ पर शराब मंगाऊं तुम्हारे लिए, टकीला शकीला मंगाऊं और वो तुम्हें नाम तो सही तरह से लेने नहीं आते वकार। बकवास बंद। तुम्हारे ख्याल में ये शराब पीना और इस किस्म की घटिया हरकतें करना बहुत अच्छी चीज है? मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने ये सब चीजें ड्रग्स ट्राई किए क्योंकि मुझे फ्रेंड्स ने कहा इन सब चीजों को करने से एडिक्शन होती है। मैंने सिर्फ ये ड्रग्स इसलिए ट्राई किए कि मैं इस चीज को देखना चाहती थी कि अब मेरे में एबिलिटी है कि ये चीजें मुझे अट्रैक्ट कर या एडिक्ट कर सकती हैं अपना, और मैंने ट्राई की ये चीजें और मैं मुझे इनकी एडिक्शन नहीं हुई। कोई परेशानी है घर पे? नो वे। पैसों की परेशानी? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर तुम इतनी अनसैटिस्फाइड क्यों लग रही हो लाइफ? वेल मेरा पैसा है, मैं चाहे जो भी करूं, ड्रग्स करूं या कुछ भी करूं, दैट्स पर्सनल। I don't think so कि किसी को यहाँ शॉप में इंटरफेयर करना चाहिए इस चीज़ में। जब मेरा पैसा है मैं जो भी करूँ। पहली चीज़ ये कि अब आप इस शो पर आ गए, कोई चीज़ पर्सनल नहीं रही आपकी। आप मुझसे कोई भी डेयर करा लें, I'm daring girl, I can do anything else। पहली बात ही तुमने घटिया बोल दी ना कि मुझसे शराब पिलवा दे, मैं टुन नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ प्रूफ देने के लिए कहा है। I don't think so कि तुम्हें शो में आगे लेके जाऊँ। तुम सिर्फ यहाँ पर आई हो कि मैं बहुत कूल हूँ और मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। मुझे लगता है ये सब फेक है, सब ड्रामा है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा ले आओ सब कुछ, या जो तुम कराना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। कितने पुशअप्स लगाते हो? चैलेंज आपने मुझे देने हैं। बकवास बंद। कितने? 10 पुशअप्स लगाओगी, अगर 10 नहीं लगाया तो यहीं से रिजेक्ट होगी वापस। ओके। ये तो था वार्म अप, अब आपने 10 और करने। ओके। हार मान के जा सकती हो जहां पर भी तुम्हें लगे ज्यादा बेइज्जती हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा, चली जाना, जबरदस्ती नहीं करो कुछ। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 और कर दे? मैं कर लूंगी, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है मैं करती रहूंगी। सिर्फ तुम्हारा इमेज पता कहाँ से खराब हो जाए, तुम्हें ड्रग्स की बात की, वरना तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगी हो। लेकिन मैंने सिर्फ वो एक दो बार सब ट्राई किया था, सिर्फ ये चीज। अच्छा खैर एनीवेज ठीक है, ऑडिशन आपका हो गया, आ जाओ। वेल वकार, जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगी। मुझसे कुछ कहना? कैमरे में बिलावल, ये सारे पुशअप्स मैंने तुम्हारे लिए लगाई हैं। लव यू। इट्स सो क्रेजी, इट्स सो क्रेजी, इट्स सो वेल इट्स अ बिग शो। इट्स अ बिग बैश। सैयद मोमिन अली साहब, फॉर्म तो बड़ा मजे का लिखा है आपने। अच्छा मुझे पता चला कि हमारी टीम ने बताया फुटेज तो नहीं रिकॉर्ड कर सके। जी जी। लेकिन आप जो है छतों वतों पे चढ़ रहे थे यहाँ? फैक्ट्री फ्लोर था आपका, जो फ्लोर है मेरे दो से शर्ट लगी थी कि उसमें, उसने मुझे कहा था कि कर सकते हो, मैंने कहा कर सकते, हिम्मत है मेरे अंदर, भरोसा है मेरे अंदर। मैं जब चल गया पूरा फ्लोर चल गया, मेरा दोस्त नहीं चला। किस दोस्त से शर्ट लगी थी बाहर? जी अभी यहाँ पर फरहान, मेरा अभी यहाँ पर दोस्त बने, उनसे मेरी उनसे बनी थी। फरहान को लेकर आ जाओ जल्दी से। अच्छा किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं आप? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान खत्म कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान जैसे हम सिविलियन है। आपकी एज क्या है? 22। लास्ट टाइम इलेक्शन में किसको वोट दिया? मैंने आपसे किसी को वोट नहीं दिया।
क्या कह रहे हो? अब तक किसी को मैंने वोट नहीं दिया। जब वोट दिया ही नहीं तो ये बकवास कैसे कर सकते हो? ठीक है देखिए, जब आप वोट देंगे तभी ये चीज आगे होगी। ठीक है मैंने देखा है कॉलेज में। आप बात सुनो जी, आप किस तरह किसी को गलत कह सकते हैं जब तक आप उसके लिए वोट नहीं देंगे? जब आपने वोट नहीं दिया तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा बोले। देखिये मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सुना भी, मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। कौन ज्यादा करप्शन करता है? करप्शन हम लोग ही कहते हैं कि करप्शन करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी। मैंने देखा भी करप्शन, इस वजह से देखा कि मैंने जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज से। करप्शन कौन सी पार्टी करती है ज्यादा? करप्शन हर पार्टी करती है। कोई देखा है? तूने देखा है? मैंने देखा है। क्या सबूत है? सबूत मेरी आंखें सबूत है। क्या बताओ ना, क्या कौन सी पार्टी करती है? मैं कहता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां सही हैं। तुम सारे घटिया लोग हो जो वोट देने जाते नहीं हो, वोट के दिन पिकनिक मनाने चले जाते हो और वापस आते हो, कहते हो ये भी गलत है वो भी गलत है। जो सदर बनता है वो गलत होता है। सदर चुप, जब मुशर्रफ था तो वो गलत, जब वो चला गया तो अब सही हो गया। मैंने अपने उसमें देखा है, मैंने छोड़ा, वोट तो नहीं दिया ना तुमने उसे। लोग कहते हैं मैं बदतमीजी करता हूँ, बात समझ रहे हो? जब वोट देने जाओगे नहीं, जब आपने वोट डाला ही नहीं तो किस तरह कह सकते हो? तुम्हें क्या पता उनपे कितने प्रेशर होते हैं? देखिए फरहान उस्मानी साहब, आप तो लाखों दफा लिविंग ऑन दी एज में आ चुके हैं। लास्ट टाइम आए थे कहां तक पहुंचे थे? सेकंड राउंड। ये सीट हिलेगी तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे जी। सेकंड राउंड। इस भाई से क्या शर्त लगी थी बाहर? देखिए शर्त के बारे में मैं एक चीज बताता चलूं, अगर आप। शर्त क्या लगी थी? ड्रामा कम। शर्त ये लगी थी कि इन्होंने बोला था कि जो ना मैं यहां से यूं चल दूंगा, मतलब मुझे इसने बोला यहां से। फिर तुमने कहा नहीं चल सकते, चल के दिखाओ। मुझे इन्होंने बोला था चल के दिखाओ, तुमने बोला नहीं। फिर क्या बोला? मैं इसने मुझे बोला था कि तुम चल के बोला के, मैंने बोला नहीं मैं नहीं चल सकता। सही है, इसने बोला मैं चल के दिखा सकता हूँ, चलो। मैं चला गया, मैं इसको बोल रहा था नहीं चलो। एक मिनट जी, इन्होंने कहा था कि देखो मतलब शर्त लगी है हज़ार, मैंने उन्होंने कहा हज़ार रुपये, मैंने ₹1,000 निकाल दिए, इन्होंने मोबाइल निकाल दिया। उसकी ऑब्वियसली सी बात है, इन्होंने बोला था कि मतलब कि ₹1,000 शर्त क्यों लगी? आपने मोबाइल निकाला था? मोबाइल निकाला था। शर्त क्यों लगी थी बताइए? 5 मिनट पहले यही सीन हुआ था, एक बोतल टूटी, मैंने हाथ में पकड़ ली, लड़के ने बोला मैं ₹2,000 दूंगा। अबे यार इसकी बात करना। हाँ तो ये पागल है ना, इसने मेरी बात मान ली, मैंने तो दूसरे की बात नहीं मानी। शर्त तो लगाई ना, शर्त लगाई ना, शर्त लगाई। मैंने नहीं लगाई शर्त, इसी ने लगाई थी कि चल कर दिखा। नहीं मैंने नहीं कोई शर्त लगाई थी। हज़ार की शर्त कैसे? अरे मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। हज़ार की शर्त कैसे लगाई थी? मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी, तुमने बोला था तुम दीवार पे चल कर दिखाओ। यहाँ से पीछे जाओगे बगैर यहाँ पर हल्ला मचाए, बगैर यहाँ पर कोई भी ड्रामेबाजी किए, वहां पीछे एक घड़ी हमने रखी है, ठीक है? जब मैं आपको गो बोलूंगा यहां से वहां जाना है, घड़ी लेकर आ जाओ, मेरे पास चक चक सुनने का भी टाइम नहीं है। भाग सकते हैं? भागना नहीं है, यहां से चलते हुए जाना है। चलते हुए जाना है, इजी। वहां से कोई सामान इस तरह नहीं फेंकना कि जो शोर हो यहाँ पे। ठीक है गो। सिलेक्शन हो गई आपकी। थैंक यू। एक दो बार चेक कर ले मुझे दोबारा प्लीज। आ जाए। फर्स्ट टाइम मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ, प्लीज बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ, बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ। बॉस आ जाए जी, एक दफा देख लें वकार भाई, एक दफा प्लीज मैं कह रहा हूँ, बड़ी उम्मीद से लेकर आया हूँ, देख लें। मैंने कहा एक डेयरिंग कर डेर देकर देख लें, बड़ी उम्मीद से आया हूँ दूर से, सुबह से मैंने कुछ खाना। सब आए यार, कुछ अबू धाबी से आए हुए। अरे सबने खाना खा लिया, मैंने खाना भी नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खाया भाई? वैसे एक इंटरव्यू के लिए ऑडिशन, मैंने तो नहीं रोका था खाना खाने से, मुझे पता है, मगर मैंने अभी तक प्रॉमिस मैंने कोई खाना नहीं खाया। मेरा कसूर तो नहीं है इसमें, मगर एक खाना इनको नहीं दिया भाई जानबूझ के किसी ने। नहीं नहीं वो बात नहीं है, जानबूझ के तो नहीं रोका। नहीं वो बात नहीं है, चैलेंज दूं? चैलेंज दे। इतना ड्रामा किया ना तूने हयात। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया भाई। क्या करने लगे हो इसके साथ, पता भी क्या कुछ करना है? आप बताएं। पागल पागल तो नहीं है? जो आप जो कुछ बोला ही नहीं मैंने, तैयार हो गया। फिर लोग बोलते हैं मैं लोगों को साइको बोलता हूँ, अभी मैंने क्या बोला था तो यूं तैयार हो गया। देखिए हिम्मत मैंने करने क्या हिम्मत, मैंने तो कुछ बोला नहीं, देखना है इसे, सिर्फ देखना है। करने के लिए तैयार तो हूँ ना। तो अकल नहीं है, पहले से खड़ा हो जाएगा, आखिरी चांस है तेरा, नहीं कर सका बाहर। ये जो भाई खड़े हैं ना जी, इनको घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आ जाना है। अच्छा 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड अगर आप नहीं ला सके, ये इनको आपने जख्मी किया किसी भी तरह, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बगैर इन्हें जख्मी किए आपने लेकर आने, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये आगे आ भी गए तो ये खुद पीछे जाने की कोशिश करेंगे।
अच्छा जो मैं करूंगा अगर मुझे करने मुझे मना नहीं करेंगे? मना क्यों नहीं करेंगे भाई, उठाना हो गया ना। क्या मतलब एक डमी लाके खड़ा इधर वजन, एक काम करता हूँ 100 किलो का वेट रख देता हूँ उसको खींच के ले जा, उसका काम है रुकना जी, तुम्हारा काम है लेके जाना। आपके 15 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। उसकी टांग उधर जानी चाहिए। चले आ जाए। बड़ी हिम्मत दिखाई यार। नहीं हिम्मत है, है ना हिम्मत जी। बोले इन्होंने तो आपको जख्मी नहीं किया ना किसी तरह? मैंने जख्मी नहीं किया इनको मैंने, क्योंकि मैंने पांव खींचा जख्मी हो सकता है, मुझे चोट लगती है, मुझे चोट नहीं लगी कोई। ये नुकसान तो हो गया ना उसका। आपने मुझे स्टार्ट होने से पहले आपने कहा जख्मी ना हो, जख्मी नहीं हुए, फिर पैंट फटी है। घर जाएगा अपनी पैंट दे दूंगा। यहाँ मजाक चल रहा है? नहीं, देर 15 सेकंड। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपने बहुत अच्छा डेयर किया है जी, लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया। मगर देखें जख्मी का आपने इनकी ये चीज फाड़ दी। मैं घर से दे दूंगा, घर से लाके दे दूंगा। बस देखें मैंने काम भी किया बेस्ट है पाकिस्तान को, मैंने वहां से 15 सेकंड से पहले। आप एक काम करें, कहाँ रहते हैं? डिफेंस में। आप यहाँ से जाएंगे, ऑडिशन 1 घंटे में खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप इनके लिए ट्राउजर लेकर आ गए जी, कहीं से भी लाकर खरीद के कुछ भी करके आपको रख लूंगा, वरना आप बाहर है। वालेकुम अस्सलाम। अभी होती बेइज्जती क्यों? सलाम क्यों लोग भूल जाते हैं वैसे? मैं तो नहीं भूली। आवाज तो निकालो पहले। मैं तो नहीं भूली ना, लोग भूल जाते हैं। क्या करती है जिंदगी में, क्या एक्शन है जिंदगी में? क्या एक्शन है? बहुत सारे एक्शंस हैं। कोई एक्शन बताओ एक। स्टडी करती हूं। ये सब छोड़ो, इंटरेस्टिंग क्या किया आज तक वो बताओ। इंटरेस्टिंग? लड़कों को बहुत मारा है। हर लड़की का यही रोना है जी, लड़कों को बहुत मारा है। हां तो आपने किस तरह? बोलना तो बहुत आसान होता है, कोई मार के तो दिखाया मैंने मारा है। किस तरह मारा है आपने? किस तरह मारा है? क्यों मारा था? नंबर पास कर रहा था, रख के थप्पड़ दिया। अच्छा, नंबर कहाँ पर पास कर रहा था ये नंबर? ये अभी मैं उस इतने महंगे होटल का नाम लूँ यहाँ पे ताकि वो और हिट हो जाए। इस शो में क्यों आना चाहती हूँ सुधरा? इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक मेहमान हूँ। अच्छा, मेहमान है आप तो, मेहमान है तो इससे क्या ताल्लुक है भाई? इससे ये ताल्लुक है क्योंकि लोग कहते हैं के मेमन कुछ नहीं कर सकते, मेमन डरपोक होते हैं, मेमन शूम होते हैं, मेमन ऐसे होते हैं, मेमन वैसे होते हैं, तो उन लोगों को ये प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं कि मेमन ऐसे नहीं होते। कौन कहता है भाई? मैं तो नहीं कहता। आप नहीं कहते? मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैंने आपका नाम लिया कि आप कहते हैं। कौन कहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं। कौन लोग? कौन लोग? अब मैं एक एक का नाम तो गिन गिन के आपको बता नहीं सकती। देखो मैं तो कह नहीं रहा कि हिम्मत नहीं है, तो फिर टेंशन किस चीज की? तुम तो अपनी तरफ से सोच के आई हुई हो। क्या मतलब सोच क्या है? मैं आपको सभी, आपने बोला ना यहाँ पर क्यों आई हो? अच्छा, जितने लोग तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि दिखा सको कि मेमन लोग जो है वो हिम्मत वाले होते हैं। हाँ। तो मेमन तो हम कह रहे हैं हिम्मत वाले, फिर किसको दिखाने आई हो? जो कहते हैं ना उनको दिखाने आई हूँ, आपको नहीं दिखाने आई। एक काम करो, ये कैमरा है तुम्हारे सामने, अब दिल की भड़ास निकाल ली है ना जी। असल बात तो ये इसलिए आई हो ना ताकि जो लोग तुम्हें कहते हैं कि मेमन डरपोक, मैं दिल की भड़ास निकालने नहीं आई हूँ, दिखाने तो यही आई हो ना कि जो लोग मेमनों को डरपोक समझते हैं उनको दिखाने आई हो। हाँ, ये दिखाने। एक मिनट तक कोई भी ऐसी बात बोलनी है कि आइंदा वो कभी किसी मेमन को डरपोक ना बोल सके। निकालो दिल की भड़ास। चलो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेमन को ये कहते हैं ना कि मेमन डरपोक होते हैं, तो वो साले कुछ खुद ही डरपोक होते हैं, इसलिए वो मेमन को ये बोलते ना कि मेमन डरपोक है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते, मेमन को सिर्फ बोल ही रहेंगे मेमन डरपोक है, मेमन ये है, मेमन वो है। मेमन लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते, आप लोगों से अड़ते नहीं है, तो आप लोगों को बुरे लगते हैं। आप लोग चाहते हो कि बदमाशी हो, फुल गुंडागर्दी हो, तो वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग जो भी बात होती है उसको चुपचाप सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ये तरह नहीं है कि पिस्टल निकालनी, मार धड़ान, ये
वो ये सब कुछ कर रहे हैं, कुछ इंसानियत भी कोई चीज होती है, लेकिन आप लोग वो भूल जाते हो सब कुछ। तो मेहमान तो ऐसे नहीं होते ना, मेहमान तो बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान बहादुर है, मेहमान के पास इतना पैसा इतना आप लोगों के पास नहीं है। मेहमान अपना सारा पैसा इधर उधर याशी में नहीं लगा रहा है, वो अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहा है, अपना और अपने आने वाली नस्ल का फ्यूचर बना रहा है। आप लोगों की तरह नहीं कि इधर चले गए, ये गंदा काम कर दिया, वो गलत काम कर दिया, पैसा याशी में, ऐसा कोई मेहमान गलत काम नहीं करता है। मेहमान बहुत अच्छे होते हैं और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। अच्छा सिदरा, मुझे एक बात बताओ, ये जो भी तुमने इतनी सारी बातें बोली है, किसने जहर भरा हुआ तुम्हारे अंदर इतना? हैं वो लोग जिन्होंने मेरे दिल में इतना जहर भरा है। कौन लोग हैं? वो लोग हैं। नहीं मतलब उन्होंने क्या बोला है आपको कि मेमन बुरे होते हैं? उन्होंने ये नहीं बोला मेमन बुरे होते हैं, कोई मेमन को बुरा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेमन ने कभी किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की ना, मेमन किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहा है, कभी आपने सुना किसी मेमन ने कुछ गलत किया है? तुम्हारी एज क्या? 17। तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारी उम्र का मसला है। उमर का कोई मसला नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एक नहीं, दो बॉयफ्रेंड है। दो बॉयफ्रेंड? जी हाँ, दो। तो एक चीज बताओ, अगर तुम्हें कभी ये पता चले कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्या करोगी? कैसा लगेगा क्या करूंगी? बहुत बुरा लगेगा, और उसको फील भी नहीं होने दूंगी कि मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं उसके साथ ऐसा धोखा करूंगी कि वो भूल जाएगा कि वो मेरे साथ क्या कर रहा था। तो ये जो तुमने दो बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, अगर इनमें से दोनों को पता चल गया तो फिर? मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे दो बॉयफ्रेंड है ना, एक्चुअली वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड हैं। तो दोनों को पता है कि तुम? जी हाँ, दोनों को पता है, दोनों को पता है, और हम तीनों कभी भी अगर एक नहीं आता ना, तो तीनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलता। मतलब नाम ले दो उनका अगर आपको हो तो। ले लो नाम। एक रिजवान, एक उमेर और एक मैं सिद्रा, हम तीनों की गैदरिंग है, हम तीनों किसी की गैदरिंग जाते हैं। गैदरिंग होना अलग चीज है, बॉयफ्रेंड होना अलग चीज है। ना ना ना, गैदरिंग में वो मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं? वो दोनों मुझसे प्यार करते हैं। और तुम दोनों से करती हो प्यार? हाँ, मैं उन दोनों से प्यार करती हूँ। मतलब उन्हें बुरा नहीं लगता कि तुमसे कभी कोई कहता नहीं कि उससे बात ना करो, इससे बात ना करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यही तो प्यार है, यही तो वो बर्दाश्त करते हैं, यही तो वो देखते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता। अच्छा, मेमन ऐसे होते हैं? मेमन ऐसे होते हैं, दो बॉयफ्रेंड रखते हैं, हर एक को गालियां देते हैं, और अपनी बारी आती है तो कहते हैं ये दो बॉयफ्रेंड है, कंजूसी फूल दिखाते हैं, दो बॉयफ्रेंड इसलिए रखेंगे खर्चा पूरा होता है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो तुम बड़ा बोल रही थी मेमन ऐसे मेमन ऐसे, तो कोई बात नहीं है। दो बॉयफ्रेंड रखना कोई गुनाह तो नहीं है, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी से फ्लर्ट तो नहीं कर रही हूँ, धोखा तो नहीं दे रही हूँ ना दोनों में से किसी एक को। दोनों को पता है, दोनों को पता है। दोनों के साथ डेट पे जाती हो? हाँ, दोनों के साथ जाती हूँ। ड्रामा कर रही हो या वाकई ऐसे करती हो? अरे कहाँ जाते हो? अच्छा, डेट के लिए कहाँ जाते हैं दोनों? हम लोग डेट के लिए कहाँ जाते हैं? तीनों हम लोग सी व्यू जाते हैं। रियली? कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस क्यों पकड़ेगी? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, बैठे हुए बाहर निकल के, गाड़ी से बाहर निकल के बैठ जाते हैं, कोई क्यों कुछ बोलेगा, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा खैर, हिम्मत वाला काम क्या कर सकती है? आप बोलो, जैसा आप बोलो। नहीं, कोई ऐसी चीज खुद बता दो ना, मैं बोलूंगा वो नहीं कर सकूंगी, जल्दी रिजेक्ट हो जाओगी, बोलोगी ये क्या दे दिया, खुद सोच के आई भी हो कोई चीज या कोई ऐसी चीज समझती हो? हिम्मत वाला मैं ये काम कर सकती हूँ, किसी भी लड़की की ना एक मिनट में चीख निकाल सकती हूँ। एक मिनट में चीख निकाल सकती? जी हाँ। ये जितनी भी तुमने बकवास की है ना, मेमन, दो बॉयफ्रेंड और ये सब कचरे में जाएगा अगर तुमने अपना डेयर कंप्लीट नहीं किया। जो तुम कह रही हो ना वही होगा। जुल्फे, ये हमारी टीम का सबसे सॉलिड आदमी है, आपको मैं एक मिनट नहीं दूंगा, आपको मैं एक चांस दूंगा। आपने कुछ ऐसा करना है कि इसकी शक्ल के एक्सप्रेशन चेंज हो जाए या चीख निकल आए, दोनों में से एक काम हो जाए। पक्का? अब क्या इनविटेशन दूं फिर उठोगी? नहीं नहीं, कुछ भी करूंगी मैं, एक ऐसा काम करूंगी तुम्हारी अभी चीख निकलेगी और ये सब देखेंगे, मैं सही बता रही हूँ, करूं? करूं? ड्रामा कम करो, जल्दी करो। ड्रामा नहीं कर रही हूँ मैं, उसकी शक्ल दिख रही है, पहले उसका रंग चेंज हो गया, मैं देख के डर गया, अब और क्या करेगा वो बेचारा। बस बातें बातें, मेमन सिर्फ बातें कर सकते हैं।